दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने आपको वीडियो के माध्यम से बताया था कि IOCL में नॉन एग्जीक्यूटिव डिप्लोमा और ITI कैंडिडेट वालों के लिए परमानेंट जॉब जो है वो निकली हुई है। साथ ही साथ हमने आपको बताया था कि 24 तारीख से इसका फॉर्म फिलअप स्टार्ट है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे स्टेप बाय स्टेप आप इस फॉर्म को कैसे भर सकते हैं। तो देखिए, आपको मैं ये लिंक दे दूंगा, ये ऑफिशियल साइट है फॉर्म फिलअप करने का। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपको रजिस्टर नाउ का एक बटन दिखेगा। सिंपली सबसे पहले आना है रजिस्टर नाउ पे, क्लिक कर देना। उसके बाद फिर आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा कि आपको कौन से डिवीज़न में भरना है। ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग चुन सकते हैं। यहाँ पे अगर आप नोटिफिकेशन देखोगे तो आपको इन सब जोन का में कितने कितने सीट्स हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये इसका शीट आ जाएगा कि किस जगह कितने कितने सीट्स हैं, कितने जनरल कैंडिडेट के लिए हैं, कितने किसके लिए हैं। टोटल ज़्यादा सीट तो नहीं है, 47 सीट है। तो आपको सबसे पहले ये विचार करना होगा कि आपको किस रीज़न में भरना है। फ्री है किसी भी रीज़न में भरने के लिए, चाहे आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं। तो ये चीज़ एक बार आप ज़रूर देख लीजिएगा कि आप जो कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उस जगह सीट है कि नहीं। क्योंकि देखिए, यहाँ पे बहुत सारे पोस्टों में SC ST या OBC के सीट नहीं है। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा जनरल के लिए है तो आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपके लिए कौन सा आपको चुनना है वो एक बार देख लीजिएगा। क्योंकि देखिए, जनरल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे सीट्स हैं, वहीं अगर आप SC ST कैंडिडेट के लिए कोई पोस्ट में देखेंगे तो आपको सीट देखने को नहीं मिलेगा। तो आप देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, सबसे ज़्यादा कहीं सीट है तो वो आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, देखिए 15 सीटें हैं यहाँ पर। उसके बाद फिर आपको एक 14 सीट भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आप एक बार डिसाइड कर लीजिएगा कि आपके ब्रांच वाइज आपको कौन सा भरना है। ये चुनने के बाद साथ ही आपको अपना ब्रांच भी देखना है कि आपने जो ब्रांच से किया है वो भी है कि नहीं। उसके बाद देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे बिहार डिवीज़न चुना मैकेनिकल, तो यहाँ पे ब्रांच चुनना होगा। यहाँ पे ऑटोमोबाइल भी एलिजिबल है, मैकेनिकल भी एलिजिबल है, तो मैकेनिकल है तो मैकेनिकल चुनिए। नेम ऑफ द कोर्स यहाँ पे देखिए, आपने रेगुलर किया है, पार्ट टाइम किया है या डिस्टेंस किया है। ठीक है, उसके बाद वेदर पास इन एबव क्वालिफिकेशन, आपने ये पास कर चुका है तो यस कीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है। आपको यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम, आपका फर्स्ट नेम यहाँ पे डालना है। ठीक है, उसके बाद वही नाम को कन्फर्म करना है, मिडिल नेम डालना है, कन्फर्म करना है, और लास्ट नेम डालना है और कन्फर्म करना है। उसके बाद फिर आपको अपना जेंडर चूज़ करना है, मेल या फीमेल है। आपको अपना नेशनलिटीज़, आप इंडियन हैं कि नहीं, डेट ऑफ बर्थ आपको डालना है, कौन से कैटेगरी से है वो आपको डालना है यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने जैसे आपको कहा, सीट देख लीजिएगा एक बार किस कैटेगरी में कितना है। उसके बाद वेदर आप PWD में है, एक्स सर्विस मैन में है, यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर जो कि आपको जो है OTP वगैरह भी करना होगा। उसके बाद फिर ईमेल ID और पासवर्ड आपको चुनना है। ठीक है, जो पासवर्ड आप लॉगिन करेंगे वो पासवर्ड आप डालिएगा यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद ये कैप्चा कोड डाल करके यहाँ पे आई डिक्लेयर पे क्लिक करके रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना है। तो सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, उसके बाद आपको लॉगिन ID और पासवर्ड मिल जाएगा। तो सबसे पहले ये डिटेल्स आप भर लेते हैं, फिर आगे हम आपको बताते हैं। तो आप ईमेल ID, फ़ोन नंबर ये सब वेरीफाई कर लेंगे तो आपको पासवर्ड चुनने का बोला जाएगा। पासवर्ड चुनने समय आपको बहुत ख्याल रखना है कि आपका पासवर्ड का जो लेंथ है वो 5 से 8 के बीच में होना चाहिए। पासवर्ड में आपका एक नंबर होना चाहिए, मैं आपको एग्जांपल भी बताऊंगा। पासवर्ड में एक कैपिटल लेटर होना चाहिए। ठीक है, और पासवर्ड में एटलीस्ट 1 अल्फ़ाबेट होना चाहिए। यानी कि सपोज आपका, आप इसी प्रकार से आप चुन सकते हैं। सपोज आपका नाम है राज, ठीक है, तो आप सबसे पहले कैपिटल R डाल दीजिए, तो ये हमारा ये टर्म एंड कंडीशन फॉलो हो गया। उसके बाद फिर आप @ डाल सकते हैं, उससे आपका आप @ नहीं डालेंगे क्योंकि यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर नहीं बोला गया। सपोज आपका नाम राज है तो आप डाल दिए R, ये हमारा कैपिटल एक हो गया, AJ तो ये आपका स्मॉल वाला भी हो गया। एक नंबर डालना है राज 15 या 16 जो भी है, तो आपका ये हो गया, साथ साथ 5 से 8 के अंदर में हो गया। तो ऐसा करके आपको पासवर्ड चूज करना है। उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको ईमेल और मैसेज के माध्यम से मिल जाएगा, इसे आप कॉपी कर लीजिए, सेव कर लीजिए। अब हम लॉगिन प्रोसेस करेंगे। लॉगिन प्रोसेस करने के लिए सिंपल सा है कि आप जो है, ठीक है, इस पेज में आपको यहाँ पे देखिए प्रोसीड टू पार्ट 2 आ जाएगा, या फिर आप इसी, ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया और आपने जो पासवर्ड सेट किया था वो आपका पासवर्ड हो गया, उसके थ्रू आप लॉगिन कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट यहीं पे प्रोसीड टू पार्ट 2 पे क्लिक कर देना। चलिए हम प्रोसीड टू पार्ट 2 पे क्लिक कर देते हैं। तो या फिर देखिए, आप डायरेक्ट इस होम पेज पे आके
रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डाल सकते हैं, साथ ही साथ डेट ऑफ बर्थ और कैप्चा कोड डाल के साइन इन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद इस प्रकार का आपके सामने आएगा, इसको सेव चेक कर लिया आपने जो डिटेल भरा है वो सही है कि नहीं, और सेव और नेक्स्ट पर क्लिक कर दें। उसके बाद देखिए फोटोग्राफ बेसिक डिटेल, पहले सबसे पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन हमने भरा, फोटोग्राफ पर्सनल डिटेल क्वालिफिकेशन और फिर पेमेंट का। सबसे पहले आपको फोटोग्राफ और आपको सिग्नेचर आपको डालना होगा, वही है फोटोग्राफ आपका 20 KB से लेकर 50 KB और सिग्नेचर आपका 10 KB से लेकर 30 KB के बीच में होना चाहिए। उसके बाद जब फोटो जो है वो JPG और जो प्रॉपर साइज में है वही डालिएगा, उसको आपको रिलीजन चूज़ करने बोलेगा, जो भी आपका रिलीजन है वो आपको चूज़ कर लेना है। आप कहाँ के डोमेसाइल है, किस स्टेट के डोमेसाइल, ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल है। फादर नेम आपको डालना है, मदर्स नेम आपको डालना है, आपको अपना पूरा प्रॉपर एड्रेस, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, स्टेट ये आपको डालना है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और ये सेम है तो आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं कि दोनों सेम है और सेव नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। ये आपका बेसिकली आपका हो जाएगा, इस आपका डिटेल्स हो जाएंगे, एड्रेस वगैरह हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको अपना क्वालिफिकेशंस डिटेल भेजना होगा। यहाँ पे देखिए एक चीज़ साफ साफ लिखा है, कैंडिडेट प्रोसेसिंग हायर क्वालिफिकेशन देन प्रिस्क्राइब नोटिस, अदरवाइज कैंडिडेट को रिजेक्ट कर दिया जाएगा और फी विल नॉट रिफंडेड। यानी कि जो अगर आप बीटेक वगैरह हैं तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं, तो यहाँ पे साफ साफ ये बात बता दिया गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले बेसिक्स डिटेल है, 10वीं का आपको डिटेल डालना है, जैसे कि 10वीं ने आपने कौन से बोर्ड से, CBSE है या फिर कौन सा बोर्ड है वो। यहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ ईयर ऑटोमेटिकली 1 रहेगा, मंथ ईयर ऑफ ज्वाइनिंग कोर्स ये आपको डालना है, मंथ आपका कब कंप्लीट हुआ है, कितना परसेंटेज हुआ है, अगर आपका CGPA में है तो परसेंटेज में कर ले। फिर 12th मैंडेटरी नहीं है तो आप 12th किए हैं तो डाल सकते हैं, नहीं है तो नहीं डाल सकते हैं। वही अगर आपने ITI वाला फॉर्म तो नहीं है, ये डिप्लोमा का फॉर्म है तो डिप्लोमा वाला डालना है। यहाँ पे कोर्स आपने 2 साल या 3 साल में कंप्लीट किया है, कब आपने लिया है वो आपको, और आपको एग्रीगेट परसेंटेज यहाँ पे आप डाल सकते हैं। तो ये बेसिकली आपका क्वालिफिकेशंस हो जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे देखिए हायर क्वालिफिकेशन का नॉर्म्स दिया हुआ है, तो ये चीज़ को भी आप देख लीजिएगा। यहाँ पे बताया गया है कि आपका हायर क्वालिफिकेशन नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। जैसे कि मैंने आपको पहले कहा है कि इसमें एक्सपीरियंस मैंडेटरी नहीं है, तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे वो डिटेल डाल सकते हैं, नहीं तो आप सीधा सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हैं। सब डिटेल भरने के बाद आपको 100 रुपये का पेमेंट करना होगा, जो कि आप ऑनलाइन माध्यम से कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप अपना फॉर्म जो है वो भर सकते हैं, ठीक है। तो प्रोसेस मैंने आपको बता दिया, नोटिफिकेशन का डिटेल दे दिया, यही आपको जानकारी देनी थी। वीडियो अच्छा लगा हो एक लाइक ज़रूर कर दें।